सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय रक्षा मंत्रालय इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 84 mm के कार्ल गुस्तॉफ रॉकेट लॉन्चर्स के लिए करीब 3500 नाइट साइट्स को खरीदेंगी, ताकि इनकी मदद से इन रॉकेट लॉन्चर्स को रात के घने अंधेरे में भी अपने दुश्मन का सामना करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि इंडियन आर्मी वर्तमान समय में अपनी सर्विस में किसी भी तरह के रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि RPGs का इस्तेमाल नहीं करती है। जबकि RPGs इन कार्ल गुस्तॉफ जैसे रॉकेट लॉन्चर्स की तुलना में वजन में काफी हल्के होते हैं, इन्हें कैरी करना बहुत आसान होता है और इन्हें इस्तेमाल करना भी काफी सस्ता पड़ता है, जिस वजह से इन RPGs का उत्पादन भी बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है और इसका इस्तेमाल ज्यादातर मिलिटेंट्स और गुरिल्ला फोर्सेस करती हैं, क्योंकि हथियार सस्ता भी है, इसे इस्तेमाल करना भी आसान है और ये बहुत ही सिंपल वेपन है। तो फिर आखिर क्यों इंडियन आर्मी इन RPGs को छोड़कर कार्ल गुस्तॉफ जैसे रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करती है, तो आज के एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको कार्ल गुस्तॉफ रॉकेट लॉन्चर्स से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम हो, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों इंडियन आर्मी इन RPGs का इस्तेमाल करने की तुलना में कार्ल गुस्तॉफ रॉकेट लॉन्चर्स को ज्यादा प्राथमिकता देती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। कार्ल गुस्तॉफ स्वीडिश कंपनी साब बोफोर्स डायनेमिक्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक 84 mm का मैन पोर्टेबल रीयूजेबल एंटी टैंक वेपन है, और ये वेपन रिकॉयल लेस रॉकेट लॉन्चर्स या रिकॉयल लेस राइफल वाली कैटेगरी में आता है। रिकॉयल क्या होता है इसके बारे में शायद आप में से अधिकतर लोगों को मालूम होगा, और जिन्हें मालूम नहीं है हम उन्हें बता दें कि वेपन में रिकॉयल उस बैकवर्ड मूवमेंट को कहते हैं जो उस वेपन के मोमेंटम से जनरेट होती है, यानी कि जब आप किसी वेपन को फायर करते हैं तो उसको फायर करने के बाद जो फोर्स आपको पीछे की तरफ लगती है उसी फोर्स को कहा जाता है रिकॉयल, और वेपन का रिकॉयल जितना कम होगा उसकी एक्यूरेसी भी उतनी अच्छी होगी और उसे इस्तेमाल करना भी आसान होगा। और एक कार्ल गुस्तॉफ भी इसी तरह का एक रिकॉयल लेस रॉकेट लॉन्चर है, हालांकि इस तरह के रॉकेट लॉन्चर्स को ज्यादातर रिकॉयल लेस राइफल के नाम से ही जाना जाता है, और एक कार्ल गुस्तॉफ रिकॉयल लेस राइफल इंडियन आर्मी की सर्विस में 40 सालों से भी अधिक के समय से मौजूद है, और इंडियन आर्मी वर्तमान समय में कार्ल गुस्तॉफ के M2 और M3 वेरिएंट का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि कार्ल गुस्तॉफ के 4 वेरिएंट्स हैं, M1 जिसे 1946 में बनाया गया, M2 जिसे 1964 में, M3 1991 और इसका लेटेस्ट M4 2014 में बनाया गया सबसे एडवांस वेरिएंट है, और इसके सबसे लेटेस्ट वेरिएंट M4 को हासिल करने के लिए भी भारत ने स्वीडिश कंपनी साब के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, और वो भी मेक इन इंडिया कैटेगरी के तहत, यानी कि इसके M4 वेरिएंट को भी भारत में ही बनाया जाएगा। और सन 2014 में लॉन्च होने के बाद कार्ल गुस्तॉफ के सबसे लेटेस्ट वेरिएंट M4 को हासिल करने के मामले में भारत स्वीडिश कंपनी का 4th कस्टमर है। कार्ल गुस्तॉफ के M2 वेरिएंट को हासिल करने के लिए भारत ने सन 1976 में साब ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत कार्ल गुस्तॉफ के M2 वेरिएंट भी भारत में ही ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज द्वारा असेंबल किए जाते हैं, और फिर सन 2005 में इसके M3 वर्जन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। और कार्ल गुस्तॉफ M3 M2 वेरिएंट की तुलना में हल्का है और ये M2 का एक अपडेटेड वर्जन है जिसे DRDO ने अपग्रेड किया है। और जब सन 2016 में भारत के स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब स्पेशल फोर्सेस द्वारा इसी कार्ल गुस्तॉफ रिकॉयलेस राइफल का इस्तेमाल किया गया था। जब बात आती है किसी ऐसे व्हीकल को टारगेट करने की जो कि चल रहा है, तब इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 350 से 400 मीटर, और जबकि किसी रुके हुए व्हीकल के लिए इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 500 मीटर, और वहीं अगर इसमें स्मोक और हाई एक्सप्लोजिव राउंड्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये 1000 मीटर की दूरी तक भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इस लॉन्चर से 1 मिनट में 6 राउंड्स फायर किए जा सकते हैं। इसके M2 वाले वेरिएंट का वजन है करीब 14.2 किलोग्राम, M3 वेरिएंट का वजन है 10 किलोग्राम, और इसके लेटेस्ट वर्जन M4 का वजन है केवल 7 किलोग्राम, जो कि रॉकेट बूस्टर्ड लेजर गाइडेड एम्यूनेशन के साथ 2000 मीटर के दूरी तक भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इंडियन आर्मी RPGs का इस्तेमाल ना करके कार्ल गुस्तॉफ जैसे रिकॉयलेस राइफल का इस्तेमाल क्यों करती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि RPG की तुलना में कार्ल गुस्तॉफ ज्यादा मल्टी रोल और हाईली वर्सेटाइल वेपन है, और इंडियन आर्मी की कॉम्बैट फिलॉसफी के अनुसार कार्ल गुस्तॉफ को कई अलग अलग तरह के रोल्स
जैसे कि एंटी टैंक, एंटी पर्सनल और यहाँ तक कि वन मैन आर्टिलरी रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जबकि आरपीजी को केवल एंटी टैंक वेपन के तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और हम आपको बता दें कि हमारा चहेता पड़ोसी मूल पाकिस्तान भी सोवियत यूनियन द्वारा बनाए गए RPG-7V वेरिएंट का इस्तेमाल करता है। और अगर आप इंडियन आर्मी के कार्ल गुस्तोफ को पाकिस्तानी आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले RPG-7V से कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि कार्ल गुस्तोफ की रेंज और एक्यूरेसी RPG-7 की तुलना में कहीं गुना बेहतर है। और RPG-7 की तुलना में कार्ल गुस्तोफ ज्यादा स्टेबल वेपन है, क्योंकि कार्ल गुस्तोफ में रिकॉयललेस प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है। और अलग अलग मिशन प्रोफाइल्स के अनुसार कार्ल गुस्तोफ में अलग अलग वैरायटी के राउंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि हीट राउंड, एचई राउंड, एंटी स्ट्रक्चर म्यूनिशन राउंड, एचईडीपी राउंड और मल्टी टारगेट एमओ राउंड्स। और जबकि RPG-7 में इस तरह का कोई भी फीचर नहीं है। और इसकी मदद से दुश्मन के आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, पिल बॉक्सेस, मशीन गन पोस्ट और खुले में मौजूद ट्रूप्स पर आसानी से हमला किया जा सकता है। इसकी एक खास बात ये भी है कि इसमें एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि इसमें जंग भी आसानी से नहीं लगता है, जिस वजह से भारत के बदलते हुए क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी इसे बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी कार्ल गुस्तोफ में RPG-7 की तुलना में एक डिसएडवांटेज भी जरूर है, और वो ये है कि कार्ल गुस्तोफ को ऑपरेट करने के लिए कम से कम 2 मैन पावर की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक का काम होता है वेपन को फायर करना और दूसरे का काम होता है उस वेपन को फिर से रिलोड करना। और जबकि RPG-7 को एक सिंगल पर्सन ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि वजन के मामले में भी RPG-7 कार्ल गुस्तोफ से हल्का होता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी और कौन कौन से रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल करती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर हमारे इस वीडियो को 10,000 लाइक्स मिलते हैं तो हम अपनी अगली वीडियो इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग रॉकेट लॉन्चर्स पर बनाएंगे। बाकी अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।